आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं सबको, सारे भाइयों को, उन सभी भाइयों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो भी लोग हमारी वीडियोस को हमेशा लाइक करते हैं, जो भी लोग हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने में। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अगेन एक बहुत बड़े टॉपिक, सबसे बड़े टॉपिक जो कि है पब्लिक स्पीकिंग। आजकल के बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि है स्टामरिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है। आजकल के बच्चे बात नहीं कर पाते हैं पब्लिक में, या फिर पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनकी, बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उनको, तो उनके लिए वीडियो है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको 7 टिप्स, और उन टिप्स का यूज़ करके डेफिनेटली आपकी जो स्टामरिंग है या फिर इस पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कतें आती हैं जो भी आपको, वो सॉल्व होने वाली हैं। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है स्टामरर्स के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आप बात करना छोड़ देते हैं या फिर प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं बात करने की, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। इसलिए बात करना लगातार करते रहो यार, अगर लगातार बात करते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कम होगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के टिप्स स्टार्ट करते हैं, और इन टिप्स का डेफिनेटली यूज़ करना है आपको ज़रूर। और अगर आपको इन टिप्स को केवल सुनना है तो इस वीडियो को छोड़ दो अभी के अभी, लेकिन अगर आपको इन टिप्स को यूज़ करना है अपनी लाइफ में तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और सबसे पहला टिप ये कहता है कि अगर आप किसी से भी बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक में या फिर स्टेज में या फिर कहीं पर भी अगर आप बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लेनी है, देन आपको स्टार्ट करना है बात करना। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कहीं भी बहुत कम लगेगी, उसके बाद जो सांस है आपको मिल चुकी है और आप उसके बाद बात कर पाएंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको एंग्जाइटी या फिर इस तरह की प्रॉब्लम है कहीं भी नहीं आएंगी, उसके बाद आप प्रॉपरली बात कर पाएंगे बहुत अच्छे से। जब आप सांस ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसमें। उसके बाद जो दूसरा टिप होता है वो कहता है कि अपने शीशे के सामने बात करो, और शीशे के सामने बात करने से आपको अपने जो फेस के एक्सप्रेशन है या फिर आपको बात करने में जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है वो आपको पता लगता है, अपनी गलतियाँ पता लगती हैं। और अपनी गलतियों से आपको कभी भी डरना नहीं है मेरे भाई, उनको सॉल्व करते रहना है। ये मत सोचना कि मेरी गलती है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा तो ये सॉल्व होगी, कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। जब तक आप उस गलती पे काम नहीं करेंगे तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है। इसलिए मिरर के सामने देखो और कुछ भी टॉपिक दो, चाहे कोई भी टॉपिक दो, आपके सामने कुछ भी दिख रहा है, चाहे मग दिख रहा है, चाहे नेल पॉलिश दिख रहा है, चाहे कुछ भी दिख रहा है, उस पर बात कर लो। या फिर ये बात करो कि अगर मुझे कुछ इंसान को कुछ कहना है तो मैं कैसे कहूँगा, इस तरह के टॉपिक आपको चूज़ करना है। या फिर आपको ये चूज़ करना है कि मान लिया कोई इंसान आपकी मजाक उड़ाता है तो आपको उस इंसान को कैसे जवाब देना है, इस तरह की बातें आपको उस टॉपिक में बात करनी है और उस टॉपिक में फाड़ के रख देना मेरे भाई। कुछ भी बोलो, आपको स्टैमरिंग होगी, आप कम बात कर पाएंगे स्टार्टिंग में, बट अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज़ करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी मेरे भाई। उसके बाद जो तीसरा टिप कहता है हमारा, वो कहता है कि अपनी वीडियो बनाओ या फिर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो। अपनी वीडियो बनाने का या फिर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने का ये फ़ायदा है कि आपको अपनी गलतियों का पता लगता है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। और वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा टिप है आपके लिए, अगर आप कैमरे के सामने बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग के बाद अपने आप को देखते हैं और आप परफेक्टली बात कर पा रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। और स्टार्टिंग में अगर आप कैमरे के सामने बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है, बट स्टार्टिंग में आती है उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर एक इंसान को आती है, मुझे खुद आई थी और हर एक इंसान को आई थी। जिसने भी पहले कैमरे पे बात करना स्टार्ट किया था उस इंसान को दिक्कतें आई थी, बट उस इंसान को एक साल बाद देख सकते हैं आप कि वो कितने कॉन्फिडेंटली बात करता है, एक इंसान कितना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है उसके बाद, तो आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं। अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आपको पता लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कि मुझे कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और इस टिप को भी यूज ज़रूर करना आपको। उसके बाद तीसरा काम जो है वो आपको बनाना है कि कहाँ कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कौन कौन से वर्ड हैं उनको नोट करना है, एक लिस्ट बनानी है आपको कि कहाँ कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कौन कौन से वर्ड में आप रुक रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग मेरे से बोलते हैं कि मुझे पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में दिक्कत आती है, पबजी, प्रभाकर, प्रभात, क्योंकि पौ, सौ या फिर कौ या फिर ए, ये वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को नोट करना है, कहाँ कहाँ पे आप रुक रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आप रुक रहे हैं उनको नोट करना है, आपको लिस्ट बनानी है उसके आपको। उसके बाद अगला टिप्स ये कहता है कि जहाँ पे भी आपको ब्लॉक्स आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो लगातार, उन वर्ड्स को लगातार बोलो, चाहे 100 बार बोलो, चाहे 1000 बार बोलो,
उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको प्रैक्टिस करनी है उस वर्ड की और उस वर्ड को इतना परफेक्ट बना लेना है कि अगली बार से उस वर्ड की इतनी औकात ना हो कि आपके सामने रुक सके, आप उसको इजीली बोल पाए, और ये इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है मेरे भाई। उसके बाद अगला टिप ये कहता है कि आपको जो वर्ड्स आप बोलते हैं क क क क क लाइक, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम एक्स्ट्रा बोलते हैं अपना सेंटेंस बोलते टाइम, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलते हैं, उनको इग्नोर करना है मेरे भाई, उनको इग्नोर करो, और जो भी वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा बोल रहे हो आप उनको नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं इन वर्ड्स को दोबारा नहीं बोलूँगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी आप बोलते हैं क क क क क प प प प लाइक दिस, या फिर कोई भी आपकी आदत है, गलत आदत है, उसको छोड़ना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को इग्नोर मारोगे तो डेफिनेटली आपकी बात करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। उसके बाद जो अगला पॉइंट कहता है वो कहता है कि जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपका वर्ड है कोई भी, उसका जो पहला लेटर है उसको लंबा खींचना है, लाइक ई रे ज़र ई रे ज़र प ब जी प ब जी लाइक दिस, जो आपका वर्ड का पहला लेटर है उसको लंबा खींचना है, और एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है यहाँ पे, और इसकी प्रैक्टिस करने को बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए आपको, कि अ क ब र रुक रुक के बात करनी है, और स्टार्टिंग में ऐसे ही ट्राई करना पड़ता है, जब इंसान जब छोटा बच्चा होता है तो वो स्टार्टिंग में बोल नहीं पाता है, उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे ही सिखाया जाता है, तो आपको भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे भी करके, तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई। उसके बाद जो अगला टिप कहता है वो कहता है कि आपको रिदम में बात करना है, रिदम में मतलब किसी सुर में बात करना है, सुर में ट्राई करना है, या फिर गाने गाने, आपको गाने गाओ, आपको लगेगा कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं इजीली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको उसके बाद, जब आप बात कर पाएंगे, जब आप गाना गा पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके बाद, इसलिए आपको गाना गा के बात करना है, लाइक इरेजर पबजी क्या कर रहे हो लाइक दिस, कुछ भी आप कुछ भी टोन बना सकते हैं और गाना गा सकते हैं आप, आपको गाना गाना चाहिए, और उसके बाद आपको लगेगा कि डेफिनेटली मैं बोल पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बात करने में। उसके बाद सबसे बड़ी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आपको रीड जोर से करना है, बहुत जोर से रीड करना है, कोई भी चीज़ या फिर अखबार पढ़ते हैं या फिर अपनी बुक पढ़ते हैं उनको लाउड पढ़ना है, जब आप लाउड पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस बनती है, और लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो लोग मनी मन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि यार, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि क्या पता मैं बोल पाऊंगा, मनी मन में सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ बोल सकता हूँ, लेकिन जब वो रियलिटी में बात करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, वो लोग मन में तो बहुत तेज़ पढ़ सकते हैं लेकिन जब लाउड पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रुकते हैं, इसलिए जब आप लाउड पढ़ते हैं तो आप रुकेंगे नहीं नेक्स्ट टाइम से, एंड आपकी ये प्रैक्टिस है बहुत अच्छी बनेगी। तो आज के ये सारे टिप्स आपको यूज़ करने हैं डेफिनेटली, इन टिप्स का यूज़ करके आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मेरे भाई, और इनका यूज़ करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई आपका दोस्त है, कोई आपके घर में है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको इस चैनल से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ। सो थैंक्स अ लॉट, एंजॉय।